समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और इस बैठक में प्रवक्ताओं को बुलाया गया है। दरअसल मिशन 2024 के लिए प्रवक्ताओं को मांझना बहुत ज़रूरी है। बैठक में सभी प्रवक्ताओं को बुलाया गया है और जो मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी का पक्ष कैसे और कितनी मजबूती से रखा जाए इस पर मंथन होगा और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। दरअसल यूसीसी और ज्ञानवापी समेत कई चर्चित मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड क्या है इसे क्लियर करना, स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि स्पष्ट किया जाए अपने प्रवक्ताओं को पार्टी लाइन और पार्टी का स्टैंड, और इसीलिए आज ये अहम बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान के बाद पार्टी की लाइन लेंथ क्या होगी इसे आज तय किया जाएगा, और विपक्षी गठबंधन के बीच कांग्रेस समेत अन्य दलों पर दी जाने वाली प्रतिक्रियाएं भी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा दी जाएंगी वो भी कैसे दी जानी है, कितने महत्वपूर्ण तरीके से दी जानी है इस पर भी आज बैठक में दिशा निर्देश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो काफ़ी अहम बैठक, क्योंकि प्रवक्ताओं को बताना है आज इस बैठक में अखिलेश यादव के द्वारा कि किस तरह से जो चर्चित मुद्दे चल रहे हैं उनमें पार्टी का स्टैंड रखा जाए ताकि बीजेपी के घेरे में विपक्ष समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ना फंसें, और जो लाभ लेना है अपनी बातों को स्टैंड रखते हुए अपनी पार्टी का स्टैंड रखते हुए उसे लेने से समाजवादी पार्टी ना चूके। लखनऊ से कैमरामैन सौरभ झा के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत समाचार।